नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासी घमासान। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में कमेटी ने इसका ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है और 30 जून तक कमेटी ड्राफ्ट सरकार को उपलब्ध करा देगी। इसके तुरंत बाद सरकार बिना देर के इस ड्राफ्ट को अमलीजामा पहना देगी। मुख्यमंत्री धामी का दावा है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। वहीं सीएम के ऐसा ऐलान करने के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को हवा दे रही है। सवाल यह है कि क्या धामी सरकार जनता पर अपने एजेंडे को थोप रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखें। उत्तराखंड में साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दंगल से राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में कमेटी ने इसका ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है। 30 जून तक कमेटी ड्राफ्ट सरकार को उपलब्ध करा देगी। इसके तुरंत बाद सरकार बिना देर किए इस ड्राफ्ट को अमली जामा पहना देगी। मुख्यमंत्री धामी का दावा है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू होगा। 30 जून तक हमको उसका ड्राफ्ट मिल जाएगा। जो कमेटी ने हमको अश्वर किया है कि हम 30 तारीख तक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे कि समान नागरिक संहिता हमारे यहाँ को लागू हो, और सबसे हम अपेक्षा करेंगे कि पूरे देश के अन्य राज्य भी उसको लागू करें। ठीक है सर। वही सीएम धामी के इस ऐलान के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को हवा दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग न जनता ने की और न ही विपक्ष ने, सरकार सिर्फ अपने एजेंडे को जनता पर थोप रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी धार्मिक स्थलों को तोड़ने तो कभी इतिहास को बदलने के बीच अब सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को जुमला जनता के बीच छोड़ा है। आम आदमी पार्टी ने सरकार को सलाह दी है कि वो जनहित की समस्याओं के समाधान पर कार्य करें। देखिए, कांग्रेस की तो कोई ये मांग थी नहीं कि समान नागरिक संहिता लागू करिए। उत्तराखंड की जनता की भी कोई ऐसी मांग नहीं है कि समान नागरिक संहिता लागू करिए। तमाम धार्मिक स्थानों को उजाड़ने का, चाहे वो मजारे हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मठ हो, कांग्रेस की तो कोई मांग नहीं थी। आप ऐलान कर रहे हैं कि हम मजारे उखाड़ रहे हैं, हम धार्मिक स्थान जो इंक्रोचमेंट में उनको उखाड़ रहे हैं, ये हमारी कभी मांग नहीं रही। उत्तराखंड की जनता की तो ये मांग है कि भैया भर्ती घोटाले में जो अपराधी थे हाकम सिंह, संजय धारीवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, उनके पीछे किन लोगों का हाथ था उसका तो पर्दाफाश करो। उत्तराखंड के करोड़ों नौजवान, उत्तराखंड के लाखों नौजवान जिनके आपने विश्वास पर विश्वासघात किया है, उसके बारे में आप कुछ बोल नहीं रहे। बात थी तो एक साल पहले जब कमेटी गठित हुई तब लोगों से बातचीत करके और उसका ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए था। सरकार ने अब ड्राफ्ट तैयार करके लोगों को जो बुला करके उनकी राय को उसमें शामिल करने की बात करती है, ये एक झूठ है, जुमला है, और ये लोगों को गुमराह करने का तरीका है। सरकार को चाहिए कि इस तरह के जुमलेबाजी से लोगों को गुमराह करने के बजाय जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर काम करें, जो विकास का काम है उस पर ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी उंगलियां ही उठाने का काम करती है। कांग्रेस को हकीकत से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री ने चुनाव में जनता से वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। सरकार ने कमेटी बनाई, सरकार ने उच्च अधिकारी सीनियर आईएसओं को
जनपद स्तर पर भेजा, सेमिनार और वर्कशॉप करने के लिए भेजा, ईमेल के माध्यम से लोगों के सुझाव को मांगा है, लोगों से चर्चा करी है और चर्चा के उपरांत, सेमिनार वर्कशॉप के उपरांत सभी जो सुझाव आए हैं उसके उपरांत सरकार ने ये निर्णय लिया है और अब उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, 31 जून तक वो तैयार हो जाएगा। कुल मिलाकर चुनाव से पहले राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां सरकार इसको लागू करने के लिए गंभीर दिख रही है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे जनता के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा रहा है। सवाल ये है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का चुनावी एजेंडा है? क्या मौजूदा समय में इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है जो सरकार इसके लिए इतना गंभीर दिख रही है? सवाल तो ये भी है कि जब संविधान के अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कही है तो फिर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है, ऐसे में विपक्ष को इससे भला क्या परेशानी है? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। जी हाँ, तो उत्तराखंड जल्द ही ऐसा राज्य होगा जो सबसे पहले यूसीसी को लागू करेगा। यूसी यानी कि समान संहिता, एक समान सभी नागरिक। अब विपक्ष को ये प्रॉब्लम हो रही है कि सरकार से किसने मांग की कि वो यूसीसी को लागू करे। अन्य मुद्दे हैं जिनसे सरकार ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी को बीच पर लेके आई है, लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देखें तो उसमें यह साफ कहा गया था कि सरकार बनने के बाद यूसीसी को उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा, यानी कि मैनिफेस्टो के अनुसार सरकार उस पर काम कर रही है। फिर विपक्ष को प्रॉब्लम क्यों हो रही? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मधु भट्ट जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संगीता शर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीसी थपलियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ केडी नेता, और मनोज झानी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल वो मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में विपक्षी दलों से ही करना चाहूंगी कि वो यूसीसी लागू कर रहे हैं तो उसमें विपक्ष को क्या प्रॉब्लम है? शुरुआत में आशीष नौटियाल जी आपसे करूंगे, क्या दिक्कत है अगर यूसीसी लागू हो जाता है उत्तराखंड में? तो दिक्कत तो मैडम किसी भी चीज की नहीं है। आप ये बताएं, इनको अपनी घोषणा में ये तो याद रह गया कि हमने यूसीसी ये बोला था, समान नागरिकता कानून बोला था, क्या इन्होंने अपने इस पे और कुछ नहीं बोला था? क्या इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम आएंगे तो महंगाई कम करेंगे? क्या इन्होंने ये नहीं कहा हम आएंगे तो हम लोग काला धन लाएंगे? क्या इन्होंने ये अभी अंकिता हत्याकांड का जो अभी केस चला है, आप देखिए कहीं ना कहीं से ध्यान भटकाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक नई चीज लोगों के सामने ले आते हैं। आज आम आदमी से अगर आप पूछो कि ये क्या है तो किसी को पता नहीं है, सिर्फ भाजपा को ही पता है क्या लेके आ रहे हैं। तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए और समय पास करने के लिए इनको टाइम पास करना है। देखो, 5 साल का जनता ने इनको समय दिया है सरकार चलाने के लिए, पर ये 5 साल किसी ना किसी बातों पे उलझाते रहेंगे, इधर उधर की बातें करते रहेंगे, पर ये वो बात नहीं करेंगे जो जनता कह रही है। जनता कहती है हमें भू कानून चाहिए, आप उनको कोई नया बता देते हैं कि हम किसी भी क्रिमिनल को जमीन नहीं बिकने देंगे। जनता कह रही है राजधानी गैरसैंण, आप कुछ और बताने जा रहे हैं। जनता जो कह रही है आप उसका उल्टा करने पे जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आज जनता त्रस्त है रोजगार के लिए, आज जनता त्रस्त है रोजगार के लिए, जनता को रोजगार चाहिए। आप देखिए, कुछ दिन पहले आपका चारधाम यही चल रहा था टीवी चैनल पर, सब चारधाम यात्रा ऐसी हो जाएगी, एक अलग ही बन जाएगी, क्या क्या बताया था। उसके बाद जैसे यात्रा शुरू नहीं हुई, 4 दिन बाद केदारनाथ से लोगों ने वीडियो बना के डाले कि कितनी अव्यवस्थाएं हैं। तो आप हर जगह फेल हैं। कुछ जनता को सिर्फ कभी आप मजारों में उलझा देते हैं, कभी आप ये कानून बना के उलझा देते हैं, कभी आप कहते हैं कि हम लोग उसका बना के नकल विरोधी कानून ऐसा भयंकर बना दिया कि अब थैंक यू मोदी, थैंक यू अपने धामी जी, अपने वाहवाही लूटने वाले काम खुद ही कानून बना रहे हैं, खुद ही अपने जुलूस निकाल रहे हैं, खुद ही रैली निकाल रहे हैं। इस तरीके से आप लोग काम करके जनता का ध्यान सिर्फ भटकाने का काम करें और इसके अलावा नहीं। तो क्या विपक्ष ये चाहता है कि जिन मुद्दों की मांग विपक्ष करे बस वही काम सरकार करे, सरकार अपनी मर्जी से कुछ ना करे भले के लिए? तो जनता की एक बात बताएं मैडम, आज आप देख रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह की? एक मिनट, मैं ये मानती हूं कि मुद्दे बहुत सारे हैं, भू कानून भी एक मुद्दा है और पलायन भी एक मुद्दा है, स्थायी राजधानी भी एक मुद्दा है, मैं इस पर चर्चा करूंगी, मैं इस पर भी बातचीत करूंगी, लेकिन यूसीसी कोड जिसको मैनिफेस्टो में लिया था, अगर एक एक कर सरकार उस पर काम कर रही है तो समस्या क्या है? आप स्वागत तो कर ही सकते हैं ना कि हर चीज का विरोध करना है करें ना,
आप काम पीछे लास्ट वाला काम क्यों उठा रहे हैं, पहले शुरू वाला काम तो देखो। अब आशीष जी ये भी कांग्रेस डिसाइड करेगी क्या कि भारतीय जनता पार्टी कहां से काम शुरू करे। मैडम पीआरडी जवानों को अभी तक जो है दून हॉस्पिटल नौकरी में लगे हुए 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। कल को उनका फोन आया कि हमें तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। आप टीचरों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, आप कुछ कर क्या रहे हैं आप लोग, सिर्फ ध्यान भटका रहे हैं। आशीष जी मैं आपकी इन बातों से बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूं, मैं इन बातों से डिनाई नहीं कर रही हूं, मैं तो 4 मुद्दे और बता रही हूं कि इन पर भी बात होनी चाहिए थी, इन पर काम होना चाहिए था। लेकिन मेरा सवाल यह है कि सरकार कुछ भी करती है तो उसका विरोध करने के लिए क्यों विपक्ष आमादा हो जाता है कि आपको बैठे बुठाए एक मुद्दा चाहिए। अगर यूसीसी कोर्ट पर काम कर रही है सरकार, अरे कहीं से तो शुरुआत कर रही है, कुछ तो कर रही है। नकारा निकम्मी सरकार से तो थोड़ा बेहतर काम करना ठीक है। ये रात का डिनर सुबह मॉर्निंग में बनाएंगे, मॉर्निंग में नाश्ता नहीं करेंगे, इस तरह से काम होगा क्या? मॉर्निंग का समय है तो मॉर्निंग के टाइम पे तो नाश्ता करोगे ना आप, रात की डिनर बनाओगे। जैसी जिसकी सरकार वैसा उसका काम। लास्ट का काम है वो, अभी का काम नहीं मैडम। वो लास्ट का किसका क्या आफत आ रही? अगर नहीं बनेगा सुप्रीम कोर्ट क्या आफत आ रही है आप बताए? क्या दिक्कत हो जाएगी? रोजगार नहीं मिलेगा क्या? अस्पतालों में दिक्कत आने शुरू हो जाएगी क्या? बच्चे पढ़ने में दिक्कत आएगी क्या? दिक्कत आएगी आप बताए? अगर ये नहीं बनेगा तो क्या दिक्कत आएगी आप ही बता दें, ये मधु भट्ट मैडम बता दें, हम भी मान जाएंगे ये दिक्कतें आ जाएंगी। अरे आवश्यकता किस चीज की, इसको समझें। आज राज्य क्या मांग रहा है, देश क्या मांग रहा है, इस चीज को समझें। और अपनी इस तरीके की दो पैसे जो लोग बात करते हैं, सिर्फ हर बात को धर्म के आगे लाके खड़ा कर देते हैं। आज इन्होंने जो मुंह की खाई, आज इन्हें पता लगा अब इन्हें मुद्दा बदलना पड़ेगा। जो 15 मई से ये लोग कह रहे थे सांसद जाएंगे और बात करेंगे, अब 15 नहीं 30 को जाएंगे, क्योंकि अब नया खेल शुरू होगा कि नहीं इस बार ये वाली बात नहीं, अब ये वाली बात करो, जनता हमारे इन बहकावे में आने वाली नहीं है। तो इस तरीके ये लोग काम कर रहे हैं, जनता के सामने जग जाहिर है, सब देख रहे हैं। ठीक है संगीता जी, क्या कहना चाह रहे? देखिए यशी जी, कॉमन सिविल कोड जैसे उसके नाम से ही सार्थक होता है समान नागरिक संहिता। तो देखिए जो समान नागरिक संहिता लागू करने की बात हामी जी कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में भी था बिल्कुल, आपने भी कहा और हमने भी देखा, लेकिन देखिए किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित करने के लिए और किसी धर्म विशेष को दुत्साहित करने के लिए ये कानून नहीं बनना चाहिए। कानून बने बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी धर्म को टारगेट करके ये कानून बनाया जाए कि 2024 का चुनाव सामने है और हमें वाहवाही लूटनी है, ऐसा कतई नहीं है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि शिक्षा का अधिकार वो भी एक समान अधिकार है, और क्या उस पर उत्तराखंड में विशेष काम हो रहा है? अभी 10वीं और 12वीं के नतीजे आए हैं यशी जी, परसों ही अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो बीजेपी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी उसके लिए कि वो विद्यालय खोलेंगे, सीबीएसई पैटर्न उसमें लगाया, यशी जी आधे से ज्यादा बच्चे उसमें फेल हो गए, और अब उसका शिकंजा कसा जा रहा है स्कूल में जो स्टाफ है उस पर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। और इसके लिए अब शिक्षक जो संघ है उसने आंदोलन छेड़ने की भी बात कही है, क्योंकि उन्हें ये कहा जा रहा है आप मीडिया में अपनी कोई बात नहीं कहेंगे, क्योंकि भाई जहां जहां शिक्षक नहीं है, मैं केवल एक पिथौरागढ़ जिले की बात करूं जितने हमारे 13 जिले हैं उसमें से तो 114 प्रधानाचार्यों की कमी है यशी जी, वहां अध्यापकों की कमी है, तो वो नहीं देखा गया कि उसकी वजह से रिजल्ट जो है वो परिणाम जो है वो बखूबी नहीं आए, क्योंकि विद्यालय में व्यवस्थाएं नहीं है, टीचरों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। तो दोनों मापदंडों को देखा जाए कि शिक्षकों की कहां कमी है और कहां सरकार की कमी है कि विद्यालयों में व्यवस्थाएं नहीं है, टीचर्स की कमी है, तो आप समान नागरिक संहिता लाइए, कोई आपको मना नहीं कर रहा है, पर क्या आप शिक्षा को हाशिए पर ले जा करके उत्तराखंड की तब ऐसे काम करेंगे? आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हाशिए पर ले जाके तब ऐसे काम करेंगे? तो आप ध्यान भटकाने का काम मत कीजिए, आप बेशक कीजिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा, पर वो काम कौन करेगा इसकी भी जवाबदेही आपकी है, इस पर आप जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है पीसी थपलिया जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर? देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करता हूं कि जो कोई भी चीज कर रही हो ईमानदारी से करे, देव तुल्य जनता के साथ ठगी ना करे, क्योंकि इन्होंने लोकपाल की कहकर पूरे देश से आश्वासन दिया था कि हम लोकपाल बनाएंगे, और लोकपाल के रहते हुए उस बड़े आंदोलन के कारण 2014 में मोदी सत्तासीन हुए, और वो लोकपाल का जो लोक आयुक्त इस राज्य में बनना था उनके जनरल खंडूरी ने किस तरह से उसको बनाया, उसका डब्बा बन गया। अब हो रहा है उल्टा, ये लोग जो उत्तराखंड को एक जो राष्ट्रीय राजनीति के दो
बड़े ध्रुव हैं इनके, वो सारा काम उत्तराखंडियों को देती है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, चाहे डिफेंस के जो ज्वाइंट सर्विसेज की कमांड का मामला हो, और कई बड़े बड़े बुद्धिजीवी उत्तराखंड के पीएमओ में इस समय काम कर रहे हैं। उसी के तहत इन्होंने सोचा कि हमने वो 2024 में जो ये सिविल कोड बनाना है, कॉमन सिविल कोड, इसके लिए कहां से किया जाए, क्योंकि यूपी का मुख्यमंत्री इनकी बात नहीं सुनता, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री इनकी बात नहीं सुनता, हमारा पप्पू वही करता है जो दिल्ली से उसको बोला जाता है, उसको जनता से कुछ लेना देना नहीं है, बाढ़ में जाए उत्तराखंड की जनता, उसको वो कोड बना के उनको देना है अपने आकाओं को दिल्ली में, क्योंकि जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये खाली एक प्रदेश ऐसे लागू नहीं कर सकती, अगर करती है तो लोकतंत्र में का अपमान कर रही है, हत्या कर रही है, कैसे एक राज्य लोग कर देगा, बगल में यूपी नहीं करेगा, बगल में हिमाचल नहीं करेगा, बगल में दिल्ली नहीं करेगा, खाली उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड लागू नहीं किया जा सकता, उनके आकाओं के लिए इन्होंने यहां से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि वहां दिल्ली में उन दो बड़े मठाधीशों की बात सुनने वाला भी नहीं, उनके पास सब ऐसे बैठे हुए हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए उसकी तैयारी यहाँ पे बेचारी सुरेखा डंगवाल जो हमारी वीसी है दून यूनिवर्सिटी, रात दिन लगी हुई है मेहनत करने पे उस सिविल कोड को बनाने के लिए। अब सवाल उठता है कि ये लोग जैसे, क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड इनकी जड़ है, पूरे जो ब्रिक्स पूरे देश में खड़ा है उसकी जड़ है, उसका खाद पानी का काम उत्तराखंड कर रहा है, उसमें जो ये मझार तोड़ने का भी काम चल रहा है आजकल, क्योंकि आज अभी देखिए आप पूरा देहरादून में खाइयां खुदी हुई हैं, लोग परेशान हो रखे हैं, चक्रोता रोड में आज दुकानदार लोग अपना सामान नहीं बेच पा रहे, खाइयां खुदी हैं, लेकिन मझार तोड़ना बहुत जरूरी है, मझार तोड़ने के लिए उन्होंने पूरी फोर्स लगा रखी उन जंगलों में जहां पे कोई लेना ना देना, कोई क्या फर्क पड़ रहा है उन मझारों से जो जंगल में तोड़ने के लिए इन्होंने एक फोर्स लगा रखी है, वो मालूम नहीं वो पैसा कहां से ले आ रहा है। इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो हमने पहाड़ों में गए हम लोगों की हमने सुना सिविल कोड के बारे में, अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो, तुमने पहाड़ों में जिस ऊर्जा को राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मॉनिटर करने के लिए लगाना चाहिए था, कि किस तरह से हताश निराश हैं आज पहाड़ में लोग, स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव के कारण पहाड़ छोड़ के भाग रहे हैं, जंगली जानवरों के आतंक के कारण वे गांव में नहीं ठहर पा रहे, बाघ खा रहा है, शाम होते ही दरवाजे बंद करके जो मजबूर हो गए हैं अंदर रहने के लिए, इन तमाम समस्याएं इनके लिए कुछ नहीं है, इनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ए बद्रीनाथ केदारनाथ तू इनकी बुद्धि को ऐसा ठग दे कि जो कर्नाटक में इनकी हालत हुई है वो ये पूरी देश में इनकी हालत हो, ऐसे हमें ठग कर रहे देवभूमि के लोगों को, बहुत दुख होता है। पीसी थापियाल जी मैं वापस आती हूँ आपके पास, मधु भट्ट जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, विपक्ष कह रहा है कि यूसीसी कोड की इतनी जरूरत नहीं थी और जो अन्य मुद्दे हैं उनसे आप भटक रहे हैं या जनता को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, अनम्यूट करिएगा मधु जी। मेरी आवाज को पहले ही म्यूट कर दिया जाता है। नहीं वो जरूरी भी है ना मधु जी, मैं यहाँ पर सभी की आवाज पहले ही म्यूट कर दी जाती है, उसका कारण है क्योंकि बैकग्राउंड से बहुत सारी आवाज आती है जिसकी वजह से लोगों की आवाज हम तक नहीं पहुंच पाती, दिस इज द ओनली रीजन, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, पहले तो हमारे जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं मैं उनको सुन रही थी। देखिए पूरा हमारा जो भारत का संविधान है, हमारा भारत का संविधान हमारी जो पावन जो है उसको जीने का एक तरीका जो हमें बताया गया है, हम क्या संविधान का आप क्या संविधान का पालन करते हैं या नहीं करते, पहले तो मैं इन प्रवक्ताओं से पूछना चाहूंगी। क्या बात हुई, संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि भारत के सभी नागरिकों को एक समान जो है नागरिक संहिता वो प्रदान की जाएगी और वो की जानी चाहिए, पहले तो ये संविधान की धारा जो अनुच्छेद 44 है उसमें वर्णित है। मेरे प्रवक्ताओं से पूछा चाहूंगी जरा संविधान का आप सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं, बहुत ही जरूरत की चीज की मैडम उसकी बात कर रहे हैं, जरूरत की चीज की है, आपने पूछा हमने पूछा हमने तो आशीष नाडिया जी पिछली बार भी आप इसी तरीके से गेस्ट के साथ इंटरप्ट कर रहे थे, मैं वापस आऊंगी आपके पास, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, उनकी भी आवाज को म्यूट करिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है
सन्यासी जी जिस प्रकार से बोला जा रहा था, दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी क्यों नहीं है आवश्यकता। क्या आप नहीं चाहते कि पूरे भारत में एक जैसा, जो हमारे और भी, जो हमारी कोई भी पंथ कोई भी समुदाय है, अगर एक समान उसकी नागरिक संहिता मिलती है, निश्चित रूप से उसको न्याय मिलेगा। क्या आप नहीं चाहते कि हर बहन बेटी को एक समान न्याय मिले? क्या आप ये नहीं चाहते? आप बताएं ना। हम चाहते हैं पूरा जो एक समान, जो हमारी न्याय की, जो कानून की जो व्यवस्था हो, एक समान हो, हर किसी को एक समान अधिकार मिले, हर किसी को एक समान न्याय मिले। अरे आप लोग साहब वालों के केस में कुछ नहीं बोले, तब क्या हुआ था? आप लोग तो, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि जब इतने बड़े चैनल में आकर ऐसे ऐसे मजबूरी में मुझे आपको म्यूट कराना पड़ेगा। प्लीज थोड़ा सा पेशेंस, एक सेकंड मधु जी, थोड़ा सा पेशेंस रख के आशीष जी सुन लीजिए, कंटिन्यू करिए। यासी जी, हमारी जब हमने कहा है, हमने सुझाव मांगे, अरे सुझाव देते ना, सुझाव मांगे हमने पूरे उत्तराखंड राज्य से, सारे बुद्धिजीवियों से सुझाव मांगे। सुझाव दीजिए ना, आप क्यों नहीं चाहते? आप समान नागरिक संहिता क्यों नहीं चाहते? जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया सरकारों को कि समान नागरिकता जो संहिता वो लागू होनी चाहिए, तब आप लोग उस पर क्यों नहीं लिखते? आप सुझाव दीजिए ना कि क्यों नहीं लागू होना चाहिए, पक्ष में लिखिए, चाहे विपक्ष में लिखिए, बताइएगा। आप लोगों से सुझाव मांगे गए, सुझाव दीजिए। सुझाव कुछ देना नहीं है, खाली केवल नहीं चाहते इस उत्तराखंड राज्य में, जो एक पूरा, जो एक मैं कहूँगी ये पूरी देवनगरी है, इसमें सभी लोग समान रूप से जिए। दूसरा, आप धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करते हैं। अब जिस प्रकार से आपने कहा, अरे अतिक्रमण हो रहा है, हमने ये ना कहा, ना हम किसी धर्म विशेष का, ना हमने ये कहा है कि कहीं भी अगर अतिक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण के तहत कहीं भी कुछ भी बना है, हम इसमें इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते। जिस प्रकार से अभी मेरे भाई पीसी थपलिया जी करते, कहीं मजारे थोड़ी, अरे ऐसा अतिक्रमण कहीं भी हुआ है उसका सबसे पहले तोड़ा गया। हमने तो उसमें तो कुछ नहीं कहा ना, उसमें कोई भी हो, किसी का भी घर हो, मधु जी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी, एक सेकंड मधु जी, अगर अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी सरकार की है, तो उनको पुनः विस्थापित करने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए बिल्कुल यासी जी, जिस प्रकार से देखिए, हम तो बिल्कुल, हम पूरा, हमने कहा है कि जो आवास नीति के तहत, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी तो लगातार आवास दे रहे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्धन जो बेघर है उनको दिए जा रहे। दूसरा, अगर हमारी हर तरीके से, हर तरीके से हम चाहते हैं पूरे जो उत्तराखंड जो राज्य है उसमें सबसे पहले एक जो समान नागरिक संहिता है वो लागू की जाए, ताकि एक एक मिसाल पेश की जाए कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग एक समान है, सब लोग एक न्यायपालिका के, एक न्याय जो हमारी जो व्यवस्था बनी है, जो सुप्रीम, जो संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत है, उसके तहत हम करना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का ये स्पष्ट आदेश है, राज्य सरकारों को यह आदेश दिया गया है कि अपने अपने यहाँ लागू कीजिए, तो अब इसमें भी आपत्ति हो रही है। तो अगर आपको आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। हमने अभी मांगा है, किस कोई पक्ष में आ सकता है, कोई विपक्ष में आ सकता है, तो आप लिखिए ना, अपने सुझाव दीजिए ना कि आप क्यों हैं, क्यों नहीं चाहते। और जब 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 ये संविधान बना था, संविधान के निर्माता जो हमारे माननीय जो अंबेडकर जी हैं, उनकी तो उनकी आप उनका अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने संविधान रची तक अपमान कर रहे हैं आप खुलेआम। तो इस प्रकार की जो ये मानसिकता है, ये दर्शाती है कि केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। किस तरह से आपने देखा हो कर्नाटक चुनाव के अभी बात कर रहे थे, तो उसमें भी कौन सा पक्ष सामने आया है, वो सारा पूरा भारतवर्ष जान गया है कि कौन लोग थे, कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी ताकतें हैं जो कि इस भारत की सभ्यता संस्कृति को कमजोर करना चाहती है, कौन है वो ताकतें, तो ये सब सामने दिख रहा है। जो लोग भारत के संविधान के निर्माता का अपमान करना चाहते हैं, जिन्होंने संविधान लिखा, उन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? बड़ा ही आश्चर्य होता है बुद्धिजीवी लोगों पे। यासी जी, आप खुद समझदार है, पढ़ी लिखी है, अब आप सब समझती है किस प्रकार से जो हमारी तीन तलाक, जब हमारी जो बहनें जो बिचारी इतनी परेशान थी, वो इतनी परेशान थी, उनके लिए जब हमने तीन तलाक का जब हम
लेके आए उसमें हाँ। भी नहीं, ये नहीं, लोग देखिए विपक्ष विपक्ष का ये कहना है, विपक्ष का तो साफ ये कहना है ना कि ठीक है आप यूसीसी लेकर आ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आपको इस बात का भी तो ध्यान रखना है कि भाई भू कानून आपका सख्त कब होगा। भू कानून सख्त ना होने की वजह से उत्तराखंड की जनसंख्या बढ़ती चले जा रही है, लोग आके कब्जा करते चले जा रहे हैं, स्थायी राजधानी नहीं है उत्तराखंड में। तो आपकी नजर में, आपकी नजर में क्या ये मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं है? जैसे कि आप आशीष जी से पूछ रही थी कि यूसीसी लागू क्यों नहीं करना चाहिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आपकी नजर में ये तीनों मुद्दे, आपकी नजर में ये तीनों मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं है? भू कानून, पलायन और ये जो तीसरा मुद्दा मैंने बताया स्थायी राजधानी का, हमारी जो सरकार है वो सारे मुद्दों पे काम कर रही है, एक एक मुद्दे पे काम करती आ रही है। नकल विरोधी कानून इतना बड़ा कानून लेके आई, समान नागरिक संहिता का इतना बड़ा ऐतिहासिक जो हमने काम करने जा अच्छा हुआ आपने नकल विरोधी कानून का जिक्र किया, मैं इस पर आगे बातचीत करूंगी। इसके बाद मनोज झानी जी आपके पास आती हूँ, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द ही उत्तराखंड में लागू किया जाएगा और उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जो यूसीसी को लागू करेगा। हालांकि विपक्ष का ये कहना है कि यूसीसी के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था। साथ ही साथ विपक्ष का ये भी मानना है कि यूसीसी लागू करने के अलावा भू कानून पर भी बातचीत करनी चाहिए थी, भू कानून के अलावा स्थायी राजधानी पर भी बातचीत करनी चाहिए थी। बहुत सारे मुद्दे हैं, यूसीसी लागू करना अभी प्राथमिकता नहीं है, चर्चा हम इसी पर करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं यूसीसी पर सियासी घमासान, चर्चा इसी पर, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मैं मनोज झानी जी का रुख करना चाहूंगी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मैं यूसीसी की अगर बात करूं तो यूसीसी को लेकर सरकार जो है वो गंभीर नजर आ रही है। मैनिफेस्टो में साफ तौर पर मेंशन था कि यूसीसी को लागू किया जाएगा जब सरकार बनेगी, हालांकि सरकार बने काफी वक्त हो गया, तब भी लेट ही कर रहे हैं लेकिन फिर भी कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष को इसमें प्रॉब्लम है, विपक्ष का कहना है कि यूसीसी इनकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए थी, अन्य ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इनको काम करना था। कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? यशी जी बहुत अच्छा मुद्दा है और क्योंकि ये अकेले राज्य से नहीं पूरे राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है और सबसे बड़ी बात है कि संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि इस राज्य को जिसमें इंडियन स्टेट की बात आती है उसमें कि भारत के भीतर एक ऐसा कानून निर्मित होना चाहिए जो सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू हो। तो उस दृष्टि से संविधान के साथ खड़ा होना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, प्रत्येक संगठन संस्था की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कानून को निर्मित करने के लिए आगे कदम बढ़ाए। तो ये देश में हो जाना चाहिए था, अगर अभी हो रहा है और किसी राज्य के द्वारा पहल हो रही है तो इसका स्वागत करते हुए मैं एक बात जो सबसे बड़ी अहम है उसे ये कहना चाहता हूँ कि राज्य के भीतर अगर ये कानून बनता है तो क्या ये अनुपालित हो जाएगा, ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के दो कानूनों का मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पे पेश करना चाहूंगा। एक उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षतिपूर्ति देने का कानून निर्मित किया गया था जो आज तक लागू नहीं हो पाया, अब जाकर एक नई कवायद, एक नई शुरुआत प्रारंभ हो रही है। दूसरा एक वो क्या शेप लेता है वी डोंट नो, फ्यूचर इज फ्यूचर में ही उसके उत्तर हैं। दूसरा एक कानून था लोकायुक्त जो उत्तराखंड का, जिसको बहुत वाहवाही लूटी गई थी कि आदरणीय जनरल खंडूरी जी ने देश का सबसे अहम और सबसे बहुत सार्थक और स्ट्रॉन्गेस्ट लोकायुक्त कानून पारित किया है। लेकिन उस लोकायुक्त कानून के भीतर बहुत लोग झांक कर देखते नहीं है, समझते नहीं है कि क्या खामियां रह गई। आप आश्चर्य करेंगे कि उसमें जो समिति गठन का जो अध्यक्ष का चयन है उसके लिए जो मानक है उसमें आर्मी चीफ या नवल चीफ या एयरफोर्स चीफ या सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज, मतलब आप सोचिए कि एक राज्य के भीतर
कोई सुप्रीम कोर्ट का जज या कोई आर्मी या नवल या एयरफोर्स के चीफ, ये लोग क्यों आएंगे? यहाँ पर कोर कमांडर्स की बात हो सकती थी, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों की बात हो सकती थी, जो लोकायुक्त के अध्यक्ष, और ये छोटे छोटे पेचीदे मामले हुए जिसके कारण लोकायुक्त का गठन बिल्कुल असंभव सा हो रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम लताड़ लगाई है, उत्तराखंड को बार बार लताड़ लगाई, अभी हाई कोर्ट ने इस बात पर संज्ञान ग्रहण किया। तो एक कानून के अंदर इतनी खामियां अगर रख दी जाए तो वो कानून पारित तो नहीं हो सकता। और इस तरीके के अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर स्टेट बनाता है, वो स्टेट में किस तरीके से वो लागू करेगा, ये बहुत, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो नेशनल लॉज के, जो हमारे जो पार्लियामेंट्री लॉज हैं, जो माइनॉरिटी सेगमेंट से जुड़े हुए हैं, ट्राइबल लॉज से होंगे, फॉरेस्ट लॉज से रिलेटेड होंगे, उन सब पर किस तरीके से सरकार राज्य के भीतर आगे बढ़ पाएगी, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी उत्तराखंड के अंदर जनता की ये मांग रही है कि उत्तराखंड में कम से कम हिमाचल के तर्ज पर या अन्य हिमालयी राज्यों के तर्ज पर एक बहुत ही मजबूत भू कानून लागू होना चाहिए। उस भू कानून का अभी तक समिति बैठी, बहुत हल्ला मचा अखबारों में, डिजिटल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, बहुत बड़े बड़े आलेख हुए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए, लेकिन कानून अभी तक कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। राजधानी के विषय पे, स्थायी राजधानी कहां पर होगी, इस विषय पे कोई चिंता राज्य सरकार की नहीं दिखी है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो राज्य बनाता है, इसकी उदाहरणा के जो एक हिमालयन स्टेट है, तो मैनेजमेंट ऑफ हिमालय, हिमालय का प्रबंधन कैसे किया जाए, एक हिमालयन स्टेट का प्रबंधन कैसे किया जाए, ब्लूप्रिंट आज तक कहां है, किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। मैं सत्ताधारी दल पे मैं चोट नहीं करना चाहता, मैं तमाम राजनीतिक दलों से पूछा कहां है वो बहस, कहां है, कहां उस तरीके के ब्लूप्रिंट्स हैं या वहां के इनिशिएशंस कहां है। तो उत्तराखंड को जो चाहिए उस पर बहुत कम बात हो रही है। आप देखिए कि उत्तराखंड में अभी जब केदारनाथ जी के कपाट खुले, बद्रीनाथ जी के कपाट खुले, शंकराचार्य को केदारनाथ के भीतर नहीं घुसने दिया गया, जो पीड़ित है, और मतलब इतनी सनातन की इतनी बेहूदगी और बदतमीजी कोई धर्मगुरु के साथ कर सकता है, ये सोचनीय विषय है। तो क्यों क्यों कहां कहां संस्कार जा रहे हैं, कहां तथ्य जा रहे हैं, किधर ले जाया जा रहा है इसको, और वास्तविक मुद्दों से क्यों भटका जा रहा है, ये एक बहुत चिंता का विषय है। ठीक है मनोज जी, मैं वापस बात हो रही है, यशी जी मैं एक बात रखकर अपनी बात बिल्कुल खत्म करूंगा जी। अगर देश में कानून की बात हो रही है, अगर दिल्ली में आज महिला पहलवान अगर बैठी हुई है, जांच कराने में दिक्कत क्या है, कानून का अनुपालन ही तो है। अंकिता भंडारी में एक निष्पक्ष जांच कराने में दिक्कत क्या है, क्यों अभी तक जो हमारी बिटिया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उसके दरिंदों को छोड़ दिया, स्टेट के मुख्यमंत्री ने ये बोला था कि इस पे हम इनिशिएट करेंगे और उसको न्याय दिलाने के लिए, वो न्याय की प्रक्रिया प्रारंभ क्यों नहीं हुई है अभी तक? तो सिर्फ स्टॉप गैप कभी कोई मुद्दा होता है और उससे एक बयान आ जाए, उससे नहीं, वो लॉजिकल एंड तक अगर नहीं पहुंचता है तो ये चिंता का विषय है। लेकिन तमाम अपनी बातों को रखते हुए, जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक संस्था, प्रत्येक संगठन को ऐसे कानून के पक्ष में खड़ा होना ही चाहिए। जय भारत, जय जी। ठीक है मनोज जी, मैं वापस आऊंगी, मैं मधु जी से इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले आशीष नौटियाल जी, बहुत कुछ कहना चाह रहे थे आप। मैडम मैं तो ये कहना चाहूंगा भाजपा को, जब जैसे इन लोगों ने हमसे पूछा था एक बार, तो जब इनका जो भटकाने का काम है, तो मैं भी इनसे कहना चाहूंगा, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफला क्यों लूटा, आज हमारा राज्य क्या कह रहा है और ये क्या कह रहे हैं। अभी मधु मैडम ने बहुत अच्छा बोला कि क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि ये बने, तो मैं भी मैडम से पूछना चाहता हूँ, क्या भाजपा नहीं चाहती कि उत्तराखंड के हर नौजवान को नौकरी मिले? क्या भाजपा ये नहीं चाहती उत्तराखंड का हर घर खुशहाल हो? क्या भाजपा ये नहीं चाहती कि उत्तराखंड के हर आदमी को एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले? मैडम देखें, स्कूल सेंटर स्कूल भी हैं और स्कूलों में हमारे सरकारी अन्य स्कूल भी हैं,
क्या कारण है सेंट्रल स्कूल में हर आदमी ने बच्चे को डालना चाह रहा और हमारे इन सरकारी स्कूलों में नहीं डालना चाह रहा। आशीष जी, इस पर मैं बात करना चाहती हूँ, लेकिन ये अलग विषय है क्योंकि इस पर एक घंटे की डिबेट भी कम पड़ेगी और ये काफी गंभीर मसला है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा मैडम, हमने पूरा अंकिता हत्याकांड देखा लेकिन हमने उसमें भाजपा के नेताओं को ये बोलते नहीं देखा कि बीआईपी का नाम बताओ, जिस प्रकार हर संगठन ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, सड़कों में उतरा हुआ था, पर भाजपा की महिला नेत्री। आशीष जी, मैं एक बात याद दिला देना चाहती हूँ जरा विपक्ष होने के नाते। मुझे नहीं पता कि जब डिबेट हुई थी उस दौरान तब आप प्रवक्ता इस वक्त वहां थे या नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इस पर जैसे ही सरकार बनी डिबेट हुई कि यूसीसी कोड अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ, विपक्ष मांग कर रहा है। मेरी बात सुनिए आशीष जी, जरा मेरी बात सुन लीजिए। विपक्ष की मांग थी कि यूसीसी कोड सरकार ने अभी तक लागू क्यों नहीं किया, सरकार जवाब दे। और आज जब यूसीसी लागू होने वाला है उसके बाद विपक्ष सवाल कर रहा है, तो क्या विपक्ष को हमेशा सवाल पूछने की आदत है? विपक्ष क्या किसी चीज का समर्थन नहीं कर सकता? मैं ये नहीं कह रही हूं, मैं बार बार इस बात को कह रही हूं कि मैं इस बात से डिनाई नहीं करती हूं कि बहुत सारे उत्तराखंड के मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। शिक्षा पर बात हो, स्वास्थ्य पर बात हो, भू कानून पर बात हो, स्थायी राजधानी पर बात हो, लेकिन अगर यूसीसी लागू हुआ इसमें क्या दिक्कत है विपक्ष को? क्या प्रॉब्लम है यूसीसी से? क्या प्रॉब्लम है आशीष जी, मुझे बस इतना बताइए जरा आप। समय हमारे पास एक घंटे का, उसमें काम कर रहे हैं वो जो चार साल बाद होने, उसकी जरूरत क्या है? आप बताए ना, पहनने के लिए कपड़े नहीं है और ये लोग टाई खरीदने चले गए, पहले टाई खरीद के रख लेते कपड़े। इतने वर्षों से शासन किया है, पहले कपड़े तो खरीदो, कुछ तो टाई खरीद की चीजें। आप सड़कों के हाल देखिए, सारी सड़कें टूटी पड़ी है। और आप ये बताए ना मैडम, विपक्ष ने यही मांग करी, विपक्ष ने ये नहीं कहा अंकिता हत्याकांड का वीआईपी कौन है, ये नहीं पूछा विपक्ष ने आपसे। अभी आपने निर्भया के समय क्या हुआ था? हमने क्या किया? मैं तो हर डिबेट में बताता हूँ, वो किया कि आपको प्रवक्ता बना दिया, आपको प्रवक्ता बनवा दिया हमने, वो स्कूल खोल दिए जहाँ हमने पढ़ाई कर ली, स्कूलों में हमारे बनाए हुए स्कूल में पढ़ाई कर दिया, वो प्रवक्ता बन पाए, हमने वो किया, हमने वो किया जो स्विच से लेकर हवाई जहाज की फैक्ट्री लगाई थी उसके अंदर, हमने वो किया, हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया। कानून, एक सेकंड आशीष जी, कानून विरोधी माफ कीजिएगा, नकल विरोधी कानून की बात कर रही थी आप। उस नकल विरोधी कानून के जरिए संगीता शर्मा जी अभी शायद एक दो दिन पहले ही बता रही थी कि अब उसमें जमानतें होने लगी है। इतना सख्त कानून, उसके बावजूद जमानत हो रही है, कैसे संभव है ये? मधु जी कर रहे हैं कि इस तरह से आप सारी व्यवस्थाएं फेल है आपकी। करोड़ों रुपए पकड़े गए आपके, सब कुछ पकड़ा जा रहा है। संविधान के जो मधु जी अगर ऐसे ही डिबेट करनी है तो प्लीज आप दोनों ऑफ द कैमरा लड़ाई लड़ लें। आप दोनों ऐसे ही लड़ लीजिए, एक दूसरे को फोन करके बातचीत कर लीजिए, नंबर तो होंगे। इस तरीके से ऑन एयर इस तरीके से चीजें नहीं चल पाएंगी। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब कोई दे ही नहीं रहा है, आपस में ही लड़े भिड़े जा रहे हैं आप लोग। आशीष नौटियाल जी और मधु भट्ट जी, मैं बहुत सीरियसली इस बात को कह रही हूँ, प्लीज। मधु भट्ट जी और आशीष नौटियाल जी प्लीज रुक जाइए। संगीता जी देखिए, यशी जी, मधु जी ने बहुत सारी बातें कही कि हम लगातार विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध कौन कर रहा है? और ये मसला कोई आज का नहीं है यशी जी, ये हर बार चुनाव में बिल्कुल आगे आ जाता है बीजेपी का। 1989 में पहली बार बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इसे रखा था लोकसभा चुनाव में, ये चीज 1989 में, तब से ये मुद्दा लगातार चल रहा है क्योंकि इन्होंने इसको मुद्दा बना के रखा, फेवरेट मुद्दा है। अगर इनकी नियत सही होती तो ये 1989 से क्या अब तक लटका हुआ होता? और जब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, सेंटर में आज किसकी सरकार है यशी जी? केंद्र में इन्हीं की सरकार है ना, कांग्रेस की सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। आप सीधे सेंट्रल से घोषित कीजिए कि सारे राज्यों में लागू होगा, कौन मना कर सकता है ऐसी चीज? आप तीन काले कानून ला सकते हैं, आप ईडी सीबीआई का एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए कानून ला सकते हैं,
आप और चीजों के लिए कानून ला सकते हैं, तो क्या आप कॉमन सिविल कोड का कानून केंद्र में नहीं ला सकते, लागू नहीं करा सकते? लेकिन आपको इसे चुनावी मुद्दा बनाना है, तो आपकी नियत में खोट है। और जो आप बात करते हैं कि संविधान, संविधान की ये लोग मानते नहीं है, क्या बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानना चाहिए? तो भाई बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को कौन मान रहा है और कौन नहीं मान रहा है? मैं तो ये भाजपा से पूछना चाहती हूँ, जब माननीय हमारे भारत जैसे शक्तिशाली देश के प्रधानमंत्री पूरे भारत का है, पूरे भारत दल की तुलना बजरंग संविधान याद नहीं आया, चुनाव आयोग संविधान को साथ में कौन रखता है? और जो ये बेटी और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, गुजरात में बिल्किस बानो केस के लोगों को छोड़ देते हैं, फूल माला पहनाते हैं, तब इन्हें संविधान याद नहीं आता? इनकी महिला कैबिनेट मंत्री महिला पहलवानों के लिए एक शब्द नहीं बोलती, तब इन्हें संविधान याद नहीं आता? आज ये दोषारोपण कर रहे हैं कि आपको संविधान याद नहीं है? संविधान तो आप लोग भूल करके बैठे हैं। यहाँ उत्तराखंड में अंकिता भंडारी नागरिक संहिता चाहती है या नहीं चाहती, नहीं कर रहा कोई विरोध, नहीं कर रहा कोई, बात इस पे हो रही है, बहस इस विषय पर मत रखिए, इस बात पर बात हो रही है, बहस इस विषय पर हो रही है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए विषय ये है, आप इस विषय पर अपना स्पष्ट मत करिए। संगीता जी स्पष्ट बोलिए, संगीता जी रुकी, संगीता जी समान नागरिक से, मधुबन जी, मधुबन जी क्या ये चुनावी मुद्दा है? यूसीसी कोड क्या चुनावी मुद्दा है? मधुबन जी इस बात का जवाब दीजिए, क्या यूसीसी कोड चुनावी मुद्दा है? नहीं मधु मैडम भी चाहती है, गिरी चाहती है, बीजेपी का नाम क्या है पता लगे, तो मैडम आप ये बताएं, हमने अपने दृष्टि पत्र में बीजेपी का नाम पता लगे, आप चाहते हैं कि नहीं चाहते, आप भी बताएं मैडम, आप भी बताएं, आप अपनी बताएं, आप बार बार बातों कर रहे हैं, आप बताएं, अब पता लगना चाहिए। मधुबन जी आप धारा 370 की बात करें, आप बाबा साहब की बात करें, आप और बात कर सकती है, लेकिन विपक्ष बात नहीं कर सकता, विपक्ष केवल मुद्दे पर ही बात करे। आप बताएं बीजेपी का नाम पता लगेगा कि नहीं लगेगा? पीसी थपलियाल जी, पीसी थपलियाल जी रुक जाइए, आशीष नौटियाल जी रुकिएगा, मधुबन जी आप भी प्लीज, आशीष नौटियाल जी मधु जी को म्यूट कर दीजिए, पैनल से रिक्वेस्ट है मेरी, पीसी थपलियाल जी देखिए कांग्रेस को पूरी तरह से, पीसी थपलियाल जी आप कंटिन्यू करिए, मधुबन जी को और आशीष नौटियाल जी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं कि प्लीज म्यूट कर दीजिए, माफ कीजिएगा, म्यूट करिए पीसी थपलियाल जी। जी मैडम मैं ये चाह रहा हूँ, क्या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है? जो उत्तराखंड के छोटे से राज्य के पेट में दर्द हो गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तड़प रहा है। दूसरी चीज, जो पढ़ी लिखी महिला संविधान की दुहाई देते हुए चिंताएं हो गई यूनिफॉर्म सिविल कोड की, इनको ये चिंता नहीं है कि हमारा संविधानिक अधिकार है टीरी डैम के बिजली पे, और ये एक बात भी इन्होंने कोर्ट में गए इसके बारे में कि हमारा बिजली यूपी क्यों खा रहा है, पूछो इनको। नहीं ये तो मुद्दा ही नहीं है ना, मुद्दा तो यूसीसी है। हाँ इनको यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, लेकिन राज्य का संविधानिक अधिकार नहीं चाहिए, वहां पे यूपी से डरेंगे। इस समय यूपी को तो सिविल कोड की जरूरत नहीं, मध्य प्रदेश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं, ये उत्तराखंड को क्यों हो गई? और ये तो राष्ट्रीय अभी बोल रही थी देश का एक संविधान एक निशान, तो वो उन देश के हर्ताकर्ताओं को क्यों चिंता नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए? ये अपने प्रधानमंत्री को कालर पकड़ के क्यों नहीं बोलती कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ? उत्तराखंड लिखे अपने प्रधानमंत्री को कि देश यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए, क्योंकि संविधान की धारा 300 में ऐसा लिखा है। अरे कैसे ये लोगों को देवताओं से भी डरने लगता है, यहाँ पे मूर्ख बनाने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं पढ़े लिखे प्रवक्ता बैठे हुए हैं। भाई मैं कई बार बोला इन तोतों को यहाँ पे सुनकर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अरे तो अगर इनको बोलोगी नहीं बोलूंगी, तुम उन खिलाड़ियों के बारे में बोलोगी, लड़कियां हैं वो, ये महिला होते हुए क्या ये बोलेगी कि उनको न्याय मिलना चाहिए? नहीं बोलेंगी, क्यों? क्योंकि ये उनकी तोता है, वो जो भेज ऊपर बैठे हुए हैं, हिम्मत नहीं है बोलने की, बोलेगी कि हमें यूपी का संविधान। देखिए प्रवक्ता जो होते हैं वो अपनी पार्टी के प्रवक्ता इसीलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी पार्टी की बात करते हैं। नहीं बिल्कुल जायज बात बोलनी चाहिए, राजनीति एक गंभीर
सब्जेक्ट है और राजनीति सेवा का सबसे बड़ा। ऐसा कौन करता है ये बताइए जरा, कौन सा ऐसा प्रवक्ता है जो अपनी पार्टी के खिलाफ बात करता है, मुझे बताइए कौन सा ऐसा प्रवक्ता है। दो भागों में बांट दिया थपलियाल जी। देखिए यूसीसी को मुद्दा बनाया अगर पार्टी ने तो उसको पनपाया आप लोगों ने, क्योंकि अभी मैं बता रही हूँ इस पर चर्चा हुई, इस पर डिबेट की मैंने खुद की, कि आप लोगों ने कहा कि यूसीसी मैनिफेस्टो में लागू करने की बात कही गई थी, अभी तक नहीं की गई। कहा था सरकार बनते ही कर देंगे, अभी तक नहीं की गई। हालांकि ये तो काफी देरी से आ रहे हैं, काफी काफी टाइम हो गया इनकी तो सरकार बने। अगर यहाँ का मुख्यमंत्री अपने प्रधानमंत्री को लिखता, एक्चुअली प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बनवा रहा है रूप से समान नागरिक संहिता और वो गलत हो जाएगा जो उत्तराखंड में लागू होगी। जो हमारे मनोज ज्ञानी जी ने बताया वो सही बताया, उन्होंने लोकपाल आप नहीं चाहते तो आप अपने सुझाव दीजिए कि नहीं चाहते आप लिखे। मधु जी कितने सुझाव आपको चाहिए, कितने तो सुझाव मिल गए हैं आपको। आपको तो ये भी सुझाव मिल गया कि कृपया करके भू कानून बना दीजिए तो जनसंख्या सुधर जाए थोड़ी उत्तराखंड की। एक तो वैसे भी कर्जे में और लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है वहां पर, न जाने कहां कहां से लोग आकर बसे जा रहे हैं उत्तराखंड में। मेरा ये देखिए माननीय हमारे जो थपलियाल जी बोल रहे हैं, हमसे आपसे अगर आप नहीं चाहते आप लिख के दीजिए कि आप किन मुद्दों पे नहीं चाहते नागरिक संहिता, आप क्यों नहीं चाहते आप लिख के दीजिए ना, आप लिखिए ना, आप इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं आप लिखिए क्यों नहीं चाहते। आप लिखिए क्या फायदा है, भैंस के आगे बीन बजे हैं, लिखिए दो सुनते हो क्या, जहाँ मांगे गए हैं। और आप चाहते हैं या नहीं चाहते, म्यूट करिएगा पहले, चाहते हैं या नहीं चाहते, आप चाहते हैं या नहीं चाहते। सरकार यहाँ तोता सरकार है, संजय जी म्यूट करिए, आप चाहते हैं या नहीं चाहते, सरकार है उसको बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप चाहते हैं या नहीं चाहते, अरे मधु जी आप राजधानी देखिए हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, हम उत्तराखंड को हमारी देवभूमि चाहते हैं, हम चाहते हैं समान नागरिक संहिता। चलिए पीसी थपलियाल जी रुक जाइए, पीसी थपलियाल जी आशीष नौटियाल जी, संगीता जी मैं आऊंगी वापस आपके पास। आशीष नौटियाल जी हम चाहते हैं जंगल में विधानसभा, म्यूट कर लीजिएगा आशीष नौटियाल जी, अपनी बात पूरा करिए। जनता ने हमें समर्थन किया है जिन मुद्दों पे हमने मधु जी क्या बिल्कुल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को सुनने का मादा नहीं है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, कंटिन्यू बोलती चली जा रही है, आप किसी और को सुनी नहीं रही है ना, किसी को अपनी बात रखने का मौका दे रही है आप। आशीष जी देखिए, आशीष जी देखिए मधु जी मैं बहुत हेल्दी डिबेट चाहती हूँ, मुझे ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल सुनती नहीं है, लेकिन अब सुन ही नहीं रही है। उन्हें सिखा के भेजा मैडम, इतना हल्ला करो कि सामने वाला तुम्हें सच मानने लग जाए, बाकी झूठे नजर आए और यही सच्चे नजर आए कि हल्ला ज्यादा। विशेष ऐसी औरतें रखी हुई हैं, पढ़ी लिखी लगती है। अरे किसी का प्लियाल जी, औरतों पर टिप्पणी नहीं, नहीं वो तो सिखा के उन्हें भेजा होता, कोई बात नहीं, सिखा के भेजा होता है। और उनकी पढ़ाई ये होती है कि भाई कितना झूठ बोलोगे, अगर आप एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो झूठ सच लगने लगेगा, ये भारतीय जनता पार्टी की पढ़ाई है, इनकी एजुकेशन है। लेकिन देखिए मैडम, दिक्कत सिविल कोर्ट से नहीं है, दिक्कत इससे आज जनता क्या मांग रही है। आज देश राज्य त्रस्त है मैडम, बेरोजगार से त्रस्त है। और आज देखिए अभी तक हमारा जो आपदा आई थी वहां पे जोशी मठ में, उसका अभी तक लोगों का मुआवजा नहीं दे पाए हम लोग, आप सिर्फ इधर उधर ही झूठ बातें कर रहे हैं। देखिए सिर्फ अरे मैडम आ गया, कितने वो बने मैडम वहाँ पे, कितने वो स्ट्रक्चर हाउस क्या बना रहे, कितने बने आपने जाके चेक करके देखा होगा। मधु जी गन्ने का भुगतान हो गया है क्या, जो समर्थन मूल्य था वो मिल गया, जिसके लिए हरीश रावत जी अभी धरना प्रदर्शन कर रहे थे हाल फिलहाल में, वो भी इन्होंने दे दिया था यशी जी, 30 करोड़ रुपए मिले हैं, बाकी के भी बहुत बड़ा पेंडिंग है। भाजपा का मतलब आम आदमी से भाजपा का कोई मतलब ही नहीं है, भाजपा का देखो मतलब जो रणनीति है देश के अंदर नफरत फैलाने की, उसको जनता काफी हद तक समझ चुकी है, उसका ही परिणाम वर्षों तक किसने फैलाया झूठ।
आपने वहां भी देखो, आप जहां राज्य में चुनाव होते हैं आप वहां भगवान के मुद्दों को जरूर डाल देते हैं। बहरहाल देखिए मधु जी, देखिए आशीष नौटियाल जी और संगीता जी या पीसी तपेलियाल जी, इनको यूसीसी कोर्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लगातार इस बात को कह रहे हैं लेकिन इनको यूसीसी कोर्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको प्रॉब्लम ये है कि भैया प्राथमिकता किसको दे रहे हो ये भी तो देखो। स्वास्थ्य शिक्षा इंपॉर्टेंट है, भू कानून इंपॉर्टेंट है, स्थायी राजधानी होना इंपॉर्टेंट है, पलायन क्यों हो रहा है, आपकी पलायन की वो जो कमेटी बनाई गई थी वो तो भगवान मालिक के कहां बैठी हुई है पता ही नहीं चल पा रहा है, पलायन होता ही चला जा रहा है। पलायन हो गया यशी जी, देखिए पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये देखिए ये मुद्दे विपक्ष को इन पर बात करनी चाहिए और मैं बिल्कुल इसका विरोध नहीं करूंगी। मैडम समस्या क्या है, हमें प्यास लग रही है, पानी मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, क्यों पिलाओगे आप, हमें तो पानी चाहिए ना। चलिए ठीक है मनोज जानी जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी बहुत कम शब्दों में। जनता की सुनो मैडम, जनता की सुनो, जनता क्या मनोज जानी जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी नहीं सुनी, मनोज जानी जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, सभी को मनोज जानी जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। चुना है क्योंकि हम जनता की सुनते हैं, आपने इतने मधु जी आप तो सुन ही नहीं रही ना मेरी, मेरी डिबेट में आकर आप मेरी नहीं सुन रही, जनता की कैसे सुन रही है। मधु जी मधु जी आप अपने फायदे के लिए ये पन्ने कैसे जिताएंगे, वक्त की चुकी कमी है, माफ कीजिएगा मनोज सैनी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में हम बात करें यूसीसी कोर्ट पर सियासी घमासान, जिस तरीके से यूसीसी कोर्ट को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि यूसीसी कोड महज एक चुनावी एजेंडा है सरकार के लिए, तो ऐसा क्या वाकई है या जल्द ही यूसीसी कोड लागू होगा ये देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ दुनिया, नमस्कार।